हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं अबाउट डीवॉर्मिंग। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़ और इसकी डोसेज वगैरह, कितने मंथ का पपी हो, कितनी डीवॉर्मिंग चाहिए उसको, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डीवॉर्मिंग होता क्या है? इनके पेट में बहुत तरह के वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स और टाइनी वॉर्म्स होते हैं जो राइस की तरह दिखते हैं। इनके पूप के अंदर आपको नज़र आएंगे, जैसे ही पूप करते हैं उसके अंदर वॉर्म्स नज़र आएंगे, जैसे आप इनको डीवॉर्मिंग देंगे उसके बाद। तो डीवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्टेड हो सकते हैं वॉर्म्स की वजह से। और अभी मैं आपको प्रॉपर डोज बताऊंगा कि कितने मंथ का पपी है, उसको कितनी डोज देनी चाहिए। जैसे आपका 4 मंथ का पपी प्लस हो जाता है, फिर कितनी देर बाद उसको हमने देनी है डीवॉर्मिंग, प्रॉपर ड्यूरेशन, प्रॉपर डोज बताऊँगा। जैसे आप न्यू पपी लेके आते हैं, ये नहीं कि आपने उसको लाते ही डीवॉर्मिंग करवानी है, पहले आप उसको 1 वीक अपने पास रखिए, मिक्सअप करवाइए, क्योंकि आप उसके लिए न्यू होंगे, आपका घर उसके लिए न्यू प्लेस होगा, तो इसलिए आप उसका अपने साथ मिक्सअप कीजिए। तो गाइज, अब मैं आपको डोजेस बताने वाला हूँ कि कब देनी है और कैसे देनी है अपने पपी को। जैसे आप न्यू पपी लेके आओगे, 45 डेज़ के राउंड होगा वो, तो ये लिक्विड फॉर्म आती है, ये जैसे 15 ml की है, ये सेवा वेट कंपनी की है, और भी काफ़ी कंपनियों की आती है, लेकिन जो ये सॉल्ट होना चाहिए यही होना चाहिए, ये बेस्ट सॉल्ट है। जैसे आप न्यू पपी लेके आए हो, 45 डेज़ के अराउंड है वो, तो आप पहले उसको 1 वीक अपने साथ रखिए, मिक्सअप कीजिए अपने साथ। जब वो आपके साथ मिक्सअप हो जाए, उसकी डाइट वगैरह सही चल रही हो, हेल्थी हो पपी, जैसे पहले वीक तो हम लेके आते हैं, हम उसको सेरेलैक वगैरह ही देते हैं कर्ड के अंदर। जब आप उसका स्टार्टर यूज़ करने लगोगे ना, जो पपी फीड आता है, स्टार्टर आता है, स्टार्टर यूज़ करने से पहले जैसे आपने रिज़ल्ट लेना है प्रॉपर अपने स्टार्टर का, तो आप उसको सबसे पहले डीवॉर्मिंग करवाइए। अब बात करते हैं गैप की, कि जैसे आप फर्स्ट टाइम दोगे तो उसके बाद आपने उसको 15 डेज़ के बाद देनी है, 15 डेज़ का गैप रखना होता है स्टार्टिंग में। और जब आपका डॉग हो जाए अराउंड 70 डेज़ का या 75 डेज़ का, तो उसके बाद उसका वेट हो जाएगा 4 kg प्लस या 5 kg प्लस, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा उसको लिक्विड फॉर्म पिलाना, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं 2.5 ml का ही है, तो फिर ये टैबलेट्स आती हैं। ये टैबलेट्स की आपको मैं कंपनी दिखा देता हूँ, सॉल्ट भी देख सकते हैं, सॉल्ट सेम ही है लिक्विड जैसा, ये कंपनी का नेम है, बहुत कंपनीज ही का आती हैं ये। जैसे अभी मैं 2 टैब्स लेकर आया हूँ ये, और जैसे ये एक टैब होती है, ये 10 kg वेट पपी के लिए होती है। अगर आपका पपी का वेट अराउंड 7 या 8 kg है, तो आप उसको एक टैबलेट खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आपका पपी 75 डेज़ या 80 डेज़ का होगा, उसका वेट अराउंड होगा इतना, 7 kg 8 kg होगा, तो आप उसको खिला सकते हैं एक टैबलेट, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं टाइमिंग की, कि ये कब देना होता है, लिक्विड फॉर्म भी और टैब भी। तो डीवॉर्मिंग जब करवाते हैं ना, तो मील के 1 घंटे बाद करवाते हैं। जैसे आप मान लो आपने रात का मील दे दिया अपने पपी को, 9 बजे के आसपास देते हैं अराउंड, तो 1 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद, 10:30 या 11 बजे आप उसको ये लिक्विड पिला सकते हैं, जब आपका पपी छोटा हो। फिर उसमें गैप रहेगा 5 आवर्स का, कम से कम 5 आवर्स का गैप कहते ही हैं वेटनरी भी, के होना चाहिए कि रिज़ल्ट तभी मिलेगा डीवॉर्मिंग का। और टैप का भी यही होता है कि आप उसको रात को खिला सकते हैं, शाम को खिला सकते हैं, शाम को भी कोई इशू नहीं है। जैसे आपका दोपहर का मील होता है पपी का, अराउंड 3 या 4 बजे होता है, सभी इतने बजे खिलाते हैं, तो आप उसको 5 बजे खिला दीजिए ये टैप, फिर उसको सीधा रात को ही मील खिलाइएगा अराउंड 9 या 10 बजे, कि 5 आवर्स का गैप चाहिए, वेटनरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। फर्स्ट टाइम हमने दी थी 15 डेज़ के बाद, जो सेकंड डोज थी इसकी। होता क्या है, जितनी देर तक आपका पपी 6 मंथ का नहीं हो जाता, तब तक आपको मंथ बाय मंथ करवानी होती है डीवॉर्मिंग। फर्स्ट टाइम होता है 15 डेज़ के बाद, फिर आता है मंथ बाय मंथ। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी पपी को करवाया 26 डेट को करवाई डीवॉर्मिंग, अब नेक्स्ट 26 तारीख को मैं करवाऊँगा उसको डीवॉर्मिंग। मंथ का गैप होना ज़रूरी होता है। जैसे आपका पपी 6 मंथ का हो जाएगा, फिर 6 मंथ के बाद हम गैप रखते हैं 3 मंथ्स का, तब भी यही होता है कि एक टैब होती है 10 kg के लिए। तब तक तो 6 मंथ के बाद आपके पपी का वेट हो जाएगा 30 kg या 35 kg या 40 kg, तो उसके हिसाब से आपको टैब देनी है। 10 kg के लिए एक टैब होती है, जितना वेट हो जाएगा उसका, जैसे 30 kg हो गया, 3 टैब्स दे देना, 40 kg हो गया, 4 टैब्स दे देना। अभी मेरे पपी का जो वेट है तो 15 kg है, और मेरा पपी अभी 4 मंथ्स का है, तो अभी मैं उसको 1.5 टैब्स दूंगा, एक फुल टैब और ये हाफ़ कर दूंगा मैं,
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देता हूँ मैं उसको। अब हम हाची को करवाने जा रहे हैं डीवॉर्मिंग। अब पप्पी का से माउथ खोलिए, टैबलेट को पीछे रख दीजिए, वो खुद ही बाइट कर लेगा। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना कि च्यू करे, कहीं पे फेंक के ना ही ध्यान रखना। जैसे कि आप देख रहे हैं वो खा रहा है, तोड़ के खा रहा है, लेकिन ये खा जाता है, ये फेंकता नहीं है कहीं पे। बस आपको यही ध्यान रखना है अपने पपी का कि वो कहीं पे फेंके ना, चाहे वो तोड़ के खाए कोई इशू नहीं है। और जैसे आपका पपी अगर ऐसे नहीं खाता तो आप उसको फीड के अंदर तोड़ के खिला सकते हैं, जो ये टैब्स हैं। जैसे मेरा तो ये पपी खा जाता है, कई पपीज़ नहीं खाते, कई फेंक देते हैं या च्यू नहीं करते, तो आप उनको फीड के अंदर मिक्स करके खिला सकते हैं। बस ध्यान रखना कि वो प्रॉपर खाएं, वो फीड के अंदर भी छोड़ना दे बाउल के अंदर, बाकी कोई इशू नहीं है। तोड़ के खिलाएं या फुल डैप खिला दें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ऑन रखिए। और आने वाले मंथ में हम एक छोटा सा गिव अवे करेंगे, जिसमें डॉग फूड, डॉग ट्रीट्स और डॉग एक्सेसरीज हम गिव अवे करने वाले हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल।